आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस नए वीडियो में। एक लेके आए हैं छोटी सीरीज जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स के चार्ट एनालिसिस की। इस सीरीज में आज बात करते हैं दिसंबर 15 को जो चार्ट पैटर्न बन रहा है आलोक इंडस्ट्रीज के लिए। ट्राई टू कीप द वीडियो शॉर्ट ओनली फॉर टेक्निकल पर्पस। आइए चलकर शुरुआत करते हैं सबसे पहले आलोक इंडस्ट्रीज के कुछ इंट्राडे चार्ट पे नजर पर। तो अगर इंट्राडे चार्ट को देखें तो देखिए दोस्तों, एक रेड कैंडल बनी है जिसने पिछला लो को भी तोड़ा है, तो प्योर टेक्निकल टर्म में थोड़ी वीकनेस यहां पर लग रही है। अगर इसी को आप 5 मिनट के इंटरवल पर देखेंगे तो देखिए 5 मिनट के इंटरवल पर मॉर्निंग से ही इसने एक नेगेटिव व्यू बनाना शुरू किया था, तो गैप बनाया और दिन भर पहले आधे घंटे में इसने गैप को फिल नहीं किया और बल्कि नए लोअर लोज बनाता चला गया। तो ये जो ये साइन हुआ है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि आज मार्केट में थोड़ा वीकनेस रहेगा। अगर आप देखेंगे इसको तो देखिए ये एक पैटर्न बना है पहले आधे घंटे का, तो यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है कि अब थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है मार्केट में, और उसके बाद में फिर सारे दिन भर एक फ्लैट की तरह से ट्रेड करता रहा। ये देखिए ये लाइन पूरी की पूरी फ्लैट ट्रेड रही, ये अपर रेंज और ये लोअर रेंज। 11:30 बजे के बाद एक बहुत ही नैरो रेंज में 22.90 रुपये से लेकर 23.05 रुपये तक की रेंज में पूरा दिन भर ट्रेडिंग किया है। तो आगे का दिन कैसे होगा पूरा समीक्षा करेंगे। आइए चलकर नेक्स्ट चार्ट को देखते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड को देखें तो अक्टूबर से लेकर अभी तक इसने एक छोटा सा वेरी स्मॉल स्लोप का अपर चैनल बनाया है, जिसका अभी के हिसाब से देखें तो ये जो लेवल नीचे जा रहा है, अगर 3-4 दिनों में आता है ये तो 21.70 रुपये के आसपास हो सकता है, यहाँ के आसपास इसको सपोर्ट मिले और फिर ये ऊपर के लिए रिबाउंड हो 28 रुपये के आसपास जाने की कोशिश करेगा। जो ये पैटर्न बन रहा है ये अच्छा पैटर्न है, क्यों समझिए इस बात को दोस्तों। देखिए जब स्टॉक ने शुरू में काम करना शुरू किया था रीलिस्टिंग के बाद में, तो इसमें वॉल्यूम बहुत स्प्रेडिकल था, हर जगह वॉल्यूम नहीं था, जहाँ जहाँ वॉल्यूम आ रहा था वहाँ वहाँ पर लोगों को खरीदने को अपॉर्चुनिटी थी, वरना तो एक कंटिन्यूस अपर सर्किट चल रहा था और इसका 58 लेवल तक पहुँच गया था। हमें मालूम है शायद काफ़ी लोग यहाँ पर 58 के आसपास स्टक हुए होंगे, आप कमेंट में बताइएगा कहाँ पर स्टक हुए हैं। इस तरह से स्टॉक को थोड़ा अवॉइड कीजिए उस टाइम पर। उसके बाद यहाँ से हमें ध्यान है 13 अगस्त के बाद से इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हुई। नॉर्मल ट्रेडिंग को कैसे कहते हैं कि दिन भर आपको ट्रेडिंग ऑप्शन अवेलेबल है, ना तो अपर सर्किट लग रहा है ना लोअर सर्किट लग रहा है। अब से पहले जब भी काम होता था अपर सर्किट में या फिर लोअर सर्किट में, तो वो अच्छा पैटर्न नहीं है। उसके बाद इसने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बेस बनाया है 18 रुपये के आसपास का, और यहाँ से बढ़िया बाउंस बैक दिखाया है ऊपर जाने के लिए। आगे आने वाले समय में देखिए बुलिंजर बैंड आपको हेल्प करता है कि क्या हो सकता है, तो ये बैंड नैरो हो रहा है जो कि एक बहुत अच्छा साइन है कंसोलिडेशन का, और ये बैंड के लोअर लेवल पर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो दो चीज़ समझिए, अगर बुलिंजर बैंड के पैटर्न को देखें तो हो सकता है यहीं से बाउंस बैक ले, अदरवाइज अगर आप नॉर्मल चैनल पैटर्न को देख रहे हैं तो हो सकता है 21.70 रुपये 21.90 रुपये तक का सपोर्ट जाके ले, तो हो सकता है 1 रुपया और अभी यहाँ से नीचे गिर सकता है अगर चैनल पैटर्न को देखें। वहीं अगर मैकडी का पैटर्न देखें तो मैकडी ने आपका 12/4 से यानी कि 4 दिसंबर से यहाँ पर इसको अपर सर्किट के पोर्शन में मैकडी को दिखाया है कि ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और पैटर्न भी पॉजिटिव था, यहाँ से कैंडल्स ऊपर जाने के लिए बन रही थी और उसके बाद में फिर ये नीचे जाने का आ रहा है पैटर्न, जो कि गैप कम होना दिखाता है यहाँ से। तो प्योर टेक्निकल बेसिस पर अगर बात की जाए इस स्टॉक में एक पैटर्न इमर्ज हो रहा है जो हो सकता है इसको अपर लेके जाए, पर अगर मार्केट में कोई भी नीचे रिएक्शन होता है तो ये अपने लोज 18 के आसपास भी जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। और अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, एक सिंपल रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल की पहल थी कि हम रिटेल इन्वेस्टर को एजुकेट करें, और हमने शुरुआत की थी, हमने बताया था आलोक इंडस्ट्री का जब शुरू में पैटर्न चल रहा था, जब ये 50-58 रुपये के आसपास था, कि पैटर्न अच्छा और हेल्दी पैटर्न नहीं है, आप थोड़ा इसमें सतर्क रहिए। कुछ लोगों ने एग्जिट किया, कुछ लोगों ने नहीं एग्जिट किया हमारी सलाह पर, और देखिए अभी तक इसका भाव 18 रुपये तक आ चुका है। आप अगर स्टॉक में ऐसे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 2% कैपिटल इन्वेस्ट कीजिएगा अपने।
वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्टिव इंट्राडे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो गाइस। चार वीडियो प्रस्तुत है हमारे चैनल के 1600 वीडियो के सिलेक्शन में। जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।